हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीरीज। एक्चुअली ये टॉपिक मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। ये स्पेशली हम इसे डिजाइन कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के हिसाब से। इसके अलावा ये दूसरी सदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, रीट, SSC और दूसरे सभी एग्जाम जहाँ पर मेंटल एबिलिटी या तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए लाभदायक रहेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम इसकी शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि हम इसे समझना शुरू करेंगे सबसे सरल क्वेश्चन से लेकर और टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो सके। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उनका जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं। रिप्लाई हमने उनका सभी तरह से रिप्लाई करेंगे जो आंसर्स होंगे उसको लेकर। आप अपने आंसर्स भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो सके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में उन सभी चीज़ों को सुधार कर सकें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सीरीज। अब ये सीरीज जो है आपने देखा होगा मुख्यतः क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपने देखा होगा और नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है। अब ये सीरीज क्या बताती है? ये सीरीज हमें पता करना होता है, इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस सीरीज को किस तरीके से सोल्व किया जाए कि जो नेक्स्ट नंबर है जो यहाँ दिया नहीं गया है जो हमें याद करना है वो किस तरीके से हमें पता चले। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो नंबर हमें दिए गए हैं इन नंबर के बीच का रिलेशन हमें डिसाइड करना है। अगर हम रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगी। अब इन सीरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके रिलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो ये सीरीज भी इसी तरीके से बनाई गई है। अगर हम सबसे सरल बात करना शुरू करें तो पहले हम बात करते हैं जो सीरीज होती है वो बेस्ड जो होती है एडिशन, ये ऐसे जोड़ बोल सकते हैं। एडिशन बेस्ड सीरीज में क्या होता है कि ये जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के बाद बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देंगे आपको और इनके बीच में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमें पता करना होता है और उस डिफरेंस में ये ऐड करने से हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस सीरीज को देखें, अभी 5 और 2 के बीच का अंतर पता करें, 5 और 2 के बीच में अंतर है 3 का। इसके बाद नेक्स्ट हम 5 और 9 के बीच अंतर पता करें, 5 और 9 के बीच, तो 5 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 4 का। नेक्स्ट हम पता करें 9 और 14 के बीच में, तो 9 और 14 के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 नंबर। तो अब आप इजीली गैस कर सकते हैं कि ये सीरीज 3, 4, 5 यानी कि जो डिफरेंस है इन नंबर्स के बीच में जो सीरीज दी गई है वो लगातार बढ़ता जा रहा है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3, 4, 5, 6 यानी कि 14 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 20। तो इस सीरीज का नेक्स्ट रिजल्ट जो होगा वो 20 होगा। ठीक है, क्लियर। एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमें फिर से वही पता करना है, क्या पता करना है कि इन नंबर के बीच में रिलेशन क्या है। देखते हैं रिलेशन, 5 और 11 के बीच में रिलेशन है 6 यानी कि 5 में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 और 16 के बीच का रिलेशन हम पता करें तो वो भी है 6, 17 और 23 का रिलेशन हम पता करें तो वो भी है 6। तो नेक्स्ट जो नंबर रहेगा वो रहेगा प्लस 6 यानी 23 में आप 6 ऐड करेंगे आंसर में भी 29। तो इस तरीके से ये सीरीज बनेगी। अब आप देख रहे हैं एक सीरीज जो हमने बेस्ड सोल्व की वो है एडिशन पे बेस्ड। अब हम नेक्स्ट सीरीज देखते हैं घटाव पर। ठीक है, इसकी बेस सीरीज देखते हैं। इस सीरीज में क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका है, देखिए इस सीरीज में हम वही रिलेशन में देखने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच रिलेशन क्या है। 23 ये -2 नेक्स्ट 20 -4 और नेक्स्ट 20 -6 व्हाट विल बी द नेक्स्ट? अगला होगा -8। ये कैसे पता किया? हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो लगातार 2, 4, 6
यानी कि सम के जोड़ में कम होता जा रहा है। तो अगला नंबर में हम दो चार छह के बाद क्या कम करेंगे, आठ। अगर हम ग्यारह में से आठ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तीन। ठीक है, इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, 430, 427, 422, 450। देखते हैं बीच में क्या रिलेशन है। 430 में से कम किया माइनस 3, कम किया माइनस 5, कम किया माइनस 7। तो अब हम क्या कम करेंगे, माइनस 9, यानी 415 में से माइनस 9 कम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 415 माइनस 9 यानी कि 406। तो आंसर विल बी 406। कुछ सीरीज इन दोनों के बीच की हो सकती हैं, यानी कि एक ही सीरीज में एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, एडिशन भी हो सकता है सीरीज में और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है एक साथ दोनों। देखते हैं ये सीरीज, देखिए इस सीरीज को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इनके बीच का रिलेशन पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप इस सीरीज को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीरीज में सारे नंबर एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो ये नंबर किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे से रिलेटेड है। चार और छह रिजल्ट कब आएगा, जब आप प्लस टू करेंगे, सिक्स और एट कब रिजल्ट आएगा, जब आप सिक्स पे प्लस टू करेंगे, और इसी तरीके से एट, यहां आप देखेंगे माइनस फोर करेंगे, यहां आप देखेंगे माइनस फोर करेंगे, तो आंसर क्या होगा, एट प्लस टू यानी कि टेन। अब देखिए ये सीरीज अगर हम इसको यहां फोर सिक्स एट और यहां भी पता कर सकते हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए दिए गए हैं कि आप इनके बीच का रिलेशन इनकी वजह से कंफ्यूज होते हैं या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जो अभी तक हमने सीरीज पढ़ी है वो एडिशन बेस्ड हो सकती है, यानी कि उनके बीच में किसी एक नंबर का लगातार एडिशन हो सकता है, उस एडिशन का नंबर पता करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि वो सीरीज कहाँ जाकर एंड होगी या नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इसी तरीके से दूसरी सीरीज जो हो सकती है वो सब्सट्रैक्शन बेस्ड हो सकती है, यानी कि हम उन सीरीज के बीच घटते हुए नंबर होंगे उन सीरीज के बीच का डिफरेंस पता करेंगे, उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर हम पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। लेकिन कुछ मिक्सअप सीरीज हो सकती है जिसमें आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही सीरीज में दिया हुआ सकता है, और आपको ये पता करना होगा कि नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो एडिशन बेस्ड सीरीज पर निकलेगा या जो सब्सट्रैक्शन बेस्ड सीरीज है उसके बेसिस पर आंसर का पता चलेगा। तो ये तो होगी एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस्ड सीरीज, ये सबसे सरल सीरीज होगी। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट सीरीज हो सकती है वो हो सकती है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बेस्ड। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बेस्ड सीरीज किस तरीके से। एग्जाम्पल हम लेंगे 2, 4, 8, 16, 1 देखिए इस तरह की सीरीज में आप देखेंगे, सबसे पहले आप पता कैसे करेंगे कि सीरीज एडिशन बेस्ड है, सब्सट्रैक्शन बेस्ड है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बेस्ड है। तो आपको ये पता करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि जो नंबर दिए गए हैं अगर वो एक बहुत कम डिफरेंस के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस्ड हो सकती है, लेकिन अगर वो नंबर बहुत कम डिफरेंस के साथ ना होकर उनका डिफरेंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, यानी कि अचानक उनमें उछाल आता जा रहा हो, तो वो सब्सट्रैक्शन और एडिशन बेस्ड नहीं होंगी बल्कि वो मल्टीप्लिकेशन या क्यूब या स्क्वायर के बेस्ड होंगी। अब देखो इस सीरीज को देखने से आपसे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन तीनों के बीच का डिफरेंस ये दो है लेकिन ये चार है और ये आठ है। ठीक है, मतलब अगर हम इसी नंबर को उसे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को इंटू 2 करेंगे 8 आ जाएगा और 8 को इंटू 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, इंटू 2, यानी 16 को इंटू 2 किया तो आया 32। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं। मैंने बताया कि आपको अगर डिफरेंस अचानक से उछाल ले रहा है, बहुत ज्यादा अंतर पैदा होता जा रहा है, तो वो मल्टीप्लाई डिवीजन
इस तरह की बेस्ड ही होंगी। तो अब देखो आप ये एक के बाद डायरेक्ट पांच आया, इनके बीच का डिफरेंस हम पता करें तो इंटू फाइव, इनके बीच का डिफरेंस पता करें तो फाइव इंटू फाइव यानी कि 25, और इसके बीच का डिफरेंस पता करें तो 25 इंटू फाइव 125। तो नेक्स्ट क्या होगा 125 का 5 गुना, अगर हम 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 625। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया मल्टीपल बेसिस इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व करनी होंगी, ये सीरीज जो है वो किस तरीके से सॉल्व होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवीजन बेस सीरीज। नेक्स्ट देखिए इन सीरीज के बीच में डिफरेंस अगर हम पता करें तो आप देखोगे ये डिफरेंस जो है बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है, इनके बीच के नंबर बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है। तो ये तभी संभव होगा जब ये एडिशन और सबट्रैक्शन बेस पे पॉसिबल है नहीं, ये इस पे है मल्टीप्लाई या डिवीजन के बेसिस पे। अब चूंकि नंबर कम होता जा रहा था हम गैस कर सकते हैं ये डिवीजन के बेसिस पे। देखिए 144, नेक्स्ट है 72, 72 का नेक्स्ट है 36 और 36 का नेक्स्ट है 18, यानी कि ये डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है 2, 144 को 2 से डिवाइड किया 72 आ गया, 72 को डिवाइड किया हमने 2 से 36 आ गया, 36 को हमने डिवाइड किया 2 से तो 18 आ गया। अब हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। इस तरीके से आप डिवीजन बेस सीरीज को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन सीरीज में क्या होगा जो सीरीज होगी उनके बीच में रिलेशन जो होगा वो उनके स्क्वायर को लेकर होगा, वर्ग को लेकर होगा। तो देखते हैं, ठीक है देखते हैं, ये एक नंबर है, ये 4, 9 और 16, इनके बीच के अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम स्क्वायर देखते हैं, ये एक का स्क्वायर है, ये दो का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट विल बी स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनमें स्क्वायर होता चला जा रहा है। तो आप पता कर लेंगे स्क्वायर बेस सीरीज है तो आप स्क्वायर करेंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में फास्ट होना होगा। फास्ट होने के लिए आपको क्या करना होगा, मिनिमम 1 to 40 के टेबल्स को आप लर्न कीजिए, उन्हें थोरो कीजिए, कंठस्थ कर लीजिए 140 तक के टेबल को। इसके अलावा आप स्क्वायर्स को, नंबर ऑफ स्क्वायर जो है उनको कंठस्थ कीजिए मिनिमम 20 तक। इसी तरीके से आप क्यूब, जो क्यूब वैल्यूज हैं उनको कंठस्थ कर लीजिए एक निश्चित लेवल तक। ये जितनी ज़्यादा आपको कंठस्थ रहेंगे तो बीच के रिलेशन डिसाइड करने में, आंसर्स निकालने में आप क्विकली रिस्पॉन्स कर पाओगे और आपका टाइम सेव होगा, जिसकी वजह से आप दूसरे टॉपिक्स को, दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे पाओगे तो आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सीरीज जो होंगी वो क्यूब बेस्ड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल और नेक्स्ट हमें पता लगा, देखिए 1, 8, 27, 64, 120। अब आप इनको देखने से पता चल रहा है नंबर बहुत तेजी से जंप होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर या क्यूब बेस्ड हो सकती है। अब हम अगर इनको पता करें 2, 8 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्यूब वाले कैलकुलेशन पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 1 का क्यूब आंसर 1 आएगा, ये 2 का घन निकालने का तरीका आपको पता होगा, इस चीज को 3 पर मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को। इसी तरीके से ये 3 का घन, फॉर एग्जांपल 3 का घन किस तरीके से निकालेंगे, 3 × 3 × 3 यानी कि 3 या 9, 9 या 17, इस आंसर में 27। ठीक है, ये किसका घन है 4 का, ये किसका है 5 का, तो नेक्स्ट किसका होगा 6 का, 6 का घन क्या होगा, 6 का घन होगा 216। देखिए 6 × 6 ×
6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया 66, 36 पावर 3, आंसर विल बी 26। अगर आप सीरीज में बहुत ज्यादा जंप देखते जा रहे हैं, नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं, तो उस सीरीज में आपको उनका स्क्वायर या फिर उनका क्यूब बेस दूंगी, यानी कि या तो आपको नंबर का वर्ग करके देखना पड़ेगा या नंबर का घन करके देखना पड़ेगा, तभी आप पता लगा पाएंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, अभी ये तो हमने सिंपलेस्ट मेथड बात की, ये वो क्यूब किस किस तरीके से बेस्ड हो सकती है। अभी हम जो कुछ सीरीज इस तरह की बेस्ड हो सकती हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स सीरीज होंगी, वो कॉम्प्लेक्स सीरीज किस तरीके से हो सकती है। कॉम्प्लेक्स सीरीज में क्या होगा कि जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस डिफरेंट मेथड को एक साथ अप्लाई करता हुआ हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक सीरीज देखते हैं, इस सीरीज को हम देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। पहला नंबर है 3, दूसरा है 7, 22, 89। अब आप देख रहे हैं नंबर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, तो डेफिनेटली कि इसमें सिर्फ एडिशन से काम नहीं चलेगा, इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो हम देखते हैं सीरीज को किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, देखते हैं ये नंबर है 3, ये 7, 3 और 7 के बीच में मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, तो ये दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो उससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है वो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7, 3, 21, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और इसका डिफरेंस देखते हैं 22 को 4 से, 88 से थोड़ा ज्यादा है, तो इनके बीच का रिलेशन हुआ यानी कि 3 × 2 + 1 का। नेक्स्ट रिलेशन क्या हुआ, 7 × 3 + 1 का। नेक्स्ट क्या हुआ, 22 × 4 + 1, तो नेक्स्ट क्या होगा, 89 × 5 + 1। आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सीरीज किस तरीके से काम कर रही है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस तरीके से इसका रिजल्ट पता लगाया जा सकता है। तो आप इस तरह की कॉम्प्लेक्स सीरीज को भी सोल्व करना की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, 89 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी 446। ठीक है, क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सोल्व करने की कोशिश की, हम सिंपलेस्ट से टफेस्ट मेथड की तरफ गए। अब आपको करना क्या है, इन सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा सोल्व करने की प्रैक्टिस आप करेंगे ये सीरीज, उतनी इवन समय में हम दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लेक्चर लेके आएंगे। इसके लिए आप हमें लगातार यूट्यूब पर फॉलो करते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू। ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके रिप्लाई आंसर पर रिप्लाई कीजिए। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, आप उसके साथ मैच कर सकते हैं।